जुजुत्सु काइजन मांगा चैप्टर 265 के शुरुआत में हम यूजी और सुकुना दोनों को एक सिटी में घूमता देख सकते हैं और यही सुकुना रियलाइज कर लेता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ ये एक ऐसा रियल इवेंट है जो क्रिएट हुआ है यूजी के एक सोर्सर के साथ कनेक्ट होने से ड्यूरिंग अ बैटल। सुकुना यही यूजी को पूछता है कि ये क्या है, क्या ये तुम्हारा डोमेन है। यूजी इसके रिप्लाई में उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि वो इतना डेस्परेट था कि उसे खुद पता नहीं है कि ये क्या है और इसलिए वो सुकुना के साथ कुछ वक्त के लिए बात करना चाहता है। और चलते चलते ये दोनों एक अंडरग्राउंड पैसेज में जाने लगते हैं और तभी यूजी सुकुना को अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो बॉर्न हुआ सेंडाई में पर वो 6 से 7 सालों तक यहाँ शिफ्ट हो गया जिसके बाद वो वापस सेंडाई चला गया बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंडपास वर्क और 10 साल बाद वो यहाँ फिर से आया बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड्स फ्रेंड फ्यूनरल। सुकुना यहाँ यूजी के बातों को सुन स्पीचलेस होता है एंड आफ्टर दिस यूजी सुकुना को एक पार्क में लेके जाता है जहाँ वो बचपन में खेला करता था और वो सुकुना को इस पार्क में बिताए हुए मेमोरीज के बारे में बताने लगता है और तभी यूजी एक फ्लावर को स्पॉट करता है और कहता है कि ये आशा गांव है। पर यही सुकुना कहता है कि आज ही साई है इडियट। यूजी इसी में कहता है कि उसे पता नहीं था कि सुकुना को फ्लावर्स का नाम याद होगा और यही यूजी सुकुना को पूछता है कि उसे इस फ्लावर का नाम कैसे पता चला। सुकुना इसी में कहता है कि मेगुमी के मेमोरी से। पर तभी यूजी रियलाइज करते हुए कहता है कि तब तक सुकुना को इस जगह के बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि वो पहले यूजी के बॉडी में रह चुका है। सुकुना इसी का रिप्लाई देते हुए कहता है कि यूजलेस मेमोरीज पढ़ना उसके लिए एक टाइम वेस्ट है एंड आफ्टर दिस यूजी सुकुना को क्रॉफिश पकड़ने के लिए ले जाता है और वो सुकुना को भी ट्राई करने के लिए कहता है। यहाँ ये दोनों ही इस बात से झगड़ने लगते हैं कि किसने बेहतर क्रॉफिश को पकड़ा है। सुकुना यहाँ कहता है कि तुम्हारा छोटा है। यूजी इसमें पलट के कहता है कि सुकुना का क्रॉफिश अमेरिकन है और उसका जापानीज। और इन सब के बाद यूजी सुकुना को एक डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाता है जो तब खुला था जब यूजी 5 साल का था और इस स्टोर में एक मूवी थिएटर भी था। यहाँ इसी के बाद यूजी सुकुना को एक फील्ड में ले जाता है जो एकदम हरा भरा होता है एज फार एज द आईज कैन सी एंड आफ्टर दिस यूजी सुकुना को एक आइसक्रीम स्टोर में ले जाता है जिसके बाद वो सुकुना के साथ आर्चरी करता है जहाँ सुकुना है शॉट ए परफेक्ट 10 क्योंकि वो एक ऐसे एरा से था जहाँ आर्चरी वॉज कॉमन। और यहीं पे अचानक स्नो गिरना चालू हो जाता है और यूजी सुकुना को बताता है कि कैसे सुबह सुबह स्नो को हटाने के बाद बचपन में उसे हॉट मिल्क टी पीना पसंद था एंड ही यूज्ड टू बिलीव इन सांता टू। सुकुना यहाँ यूजी के इन बातों को सुन पक चुका होता है और वो उसे पॉइंट में आने को बोलता है। यूजी यही कहता है ठीक है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिखा दिया जो मुझे तुम्हें दिखाना था। यूजी यही कंटिन्यू करते हुए कहता है वो अब तक सोचता था कि अगर वो अपने रोल को पूरा करेगा तो वो कह पाएगा कि वो सही तरीके से मरा है पर अभी उसे कुछ अलग ही फील हो रहा है अबाउट इट। यूजी कहता है कि एक पर्सन का जीवन का वैल्यू वहाँ है जहाँ मेमोरीज फ्रेगमेंट में फ्लोट कर रहा है इवन अगर वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो उन मेमोरी से जो एक पर्सन को सेव करता है एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हाउ यू डाई। मैं बस उन्हें माफ नहीं कर सकता जो ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हाँ सुकुना मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हाउएवर ह्यूमन टूल्स नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रोल्स पहले से ही डिटरमाइन होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। वेदर गुड और बैड तुम सच में नहीं कह सकते कि वो असल में ह्यूमन है या फिर नहीं। यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबको जानो जिसे तुम वैल्यू नहीं करते तुम्हारे सिवा। सुकुना इसे में कहता है कि वो कुछ भी फील नहीं करता और यूजी एक कावर्ड बीइंग है। उसका एंगर और हैट्रिट सुकुना की तरफ बस इतना ही था। सुकुना यही अचानक रियलाइज करता है कि यूजी उसके लिए सॉरी फील कर रहा है और इसी में सुकुना कहता है क्या तुम मुझे सिंपति दिखा रहे हो। और यही हम बुद्धा का स्टेचू को भी देखते हैं जिसके बाद यूजी सुकुना की तरफ देखते हुए कहता है दैट्स राइट सुकुना मेरे पास एबिलिटी है तुम्हें मारने का सो जल्दी से फुशीगुरु को रिलीज करो और अगर तुम वापस मेरे शरीर में आ गए तो मैं तुम्हारे लाइफ को स्पेयर कर दूंगा। सुकुना यहाँ गुस्से से लाल हो चुका होता है क्योंकि यूजी ने उसे धमकी दे दिया होता है। सुकुना यूजी का रिप्लाई देते हुए कहता है कि शायद उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है क्योंकि सुकुना यूजी को बस स्लाइस ही नहीं पर वो उन सबको उसके आंखों के सामने मारने वाला है जिसे यूजी केयर करता है।